काम करना, दैट इज व्हाट टैरो इज अबाउट. ओके, सो एडवांस में वील बी वर्किंग मोर ऑन आर क्लेयर्स. फिर उसके बाद हम एंजल्स को आइडेंटिफाई करके एंजेलिक इन्वोकेशन करेंगे अलग अलग चीजों के लिए. देखिए, टैरो एक डिविनेशन टूल है, बहुत ही ज्यादा डिवाइन टूल है. आज की डेट में व्हेन आई प्रैक्टिस मीडियमशिप आल्सो आई यूज टैरो. टैरो को मैं यूज करती हूँ फॉर सर्टन सिग्नल्स एंड देन फॉर प्रोटेक्शन. तो इसको हम बहुत जगह पे यूज करते हैं इन कार्ड्स को. तो एडवांस में आप इसका कुछ पोर्शन जानेंगे, आप एंजेलिक कनेक्शंस करेंगे, उन्हें इन्वोक करना जानेंगे और उनकी प्रेजेंस आप फील करेंगे व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग इन द प्रैक्टिकल क्लास. देन अलग अलग स्प्रेड्स. अब स्प्रेड्स में क्या है, एक लेआउट होता है, आपने कार्ड्स वैसे बिछा दिए और आपने कहानी पढ़ी. इन स्प्रेड्स में बहुत सारी चीजें ध्यान रखने वाली होती है. एक होता है कौन सा कार्ड किस तरफ फेस कर रहा है, जिसे हम कहते हैं डायरेक्शनैलिटी ऑफ स्प्रेड्स. तो हम डायरेक्शनैलिटी को समझेंगे, उसे इंटरप्रेट करना जानेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर एक्शन पास्ट इन्फ्लुएंस का रिजल्ट है या कोई और इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से वो एक्शन हो रहा है. फिर उसके बाद हम जानेंगे क्विंटेसेंशियल नंबर्स को. क्विंटेसेंशियल नंबर्स, टैरो पे आपने देखा होगा नंबर्स लिखे होते हैं, तो उन्हें यूज करके हम क्विंटेसेंशियल नंबर्स निकालते हैं और क्विंटेसेंशियल नंबर्स के थ्रू हम अपनी रीडिंग को समराइज करते हैं. सो दैट इज व्हाट वील बी कवरिंग इन दिस एडवांस कोर्स. फिर अलग अलग स्प्रेड्स की अगर मैं बात करूं, कुछ इंपॉर्टेंट स्प्रेड्स है, जैसे डेस्टिनी स्प्रेड है, ट्रेडिशनल सेल्टिक क्रॉस अभी तक हमने किया है लेकिन उसको हम और डीपली करेंगे. जोडियाक स्प्रेड है जो आप न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखते हैं, जोडियाक रीडिंग्स ऑन बेसिस ऑफ टैरो, तो वो कैसे निकालते हैं वो भी एक स्प्रेड के जरिए निकलता है. देन ईयर अहेड स्प्रेड, किसी को आपने पूरे साल के प्रेडिक्शंस देने हैं तो आप कैसे देंगे वो हम प्रैक्टिस करेंगे. एंड मोर ऑफ दीज सेशंस वुड बी प्रैक्टिकल, जहां मैं आपको बेसिक लेआउट बताऊंगी उसके बाद आप लोगों से खुद करवाऊंगी. देन ट्री ऑफ लाइफ स्प्रेड, अ वेरी इंटरेस्टिंग स्प्रेड जिसमें आप अपनी लाइफ को और अच्छे से समझ पाएंगे. फिर 12 घर, अगर हम एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करें तो 12 भाव और उनसे हम कार्ड्स को कैसे कनेक्ट करके रीड करेंगे. न्यूमरोलॉजी एंड एसोसिएशंस ऑफ टैरो. फिर मुहूर्त फिक्सेशन, न्यूमरोलॉजिकल टैरो यूज करके रेमेडीज हम कैसे देंगे, क्रिस्टल्स के फॉर्म में, मंत्रों के फॉर्म में, मेडिटेशन के फॉर्म में, and then angelic world and angelic healing. So these will be the contents that we'll be covering or the topics that we'll be covering. ये पूरा जो journey है हमारी, ये 2 महीने की journey है और जब हम start करेंगे तो आपको खुद को अपनी life में changes महसूस होना शुरू हो जाएंगे. Because इसमें जब हम start करते हैं, हम अपने clairs को जान के और angels के साथ connection से start करते हैं. तो जब आपके इनिशियल स्टेप्स पे ही एंजेलिक कनेक्शंस बनने लगते हैं तो वो रिफाइनमेंट आपकी रीडिंग में भी आती है और वो रिफाइनमेंट आगे आपके लाइफ के अलग अलग फेजेस में नजर आती है. नाउ टू मूव अहेड, एज वी मूव अहेड विद द कोर्स, लेट्स नो हमारे क्लेयर्स क्या क्या है. अभी तक आप लोगों ने ये सुना होगा कि आपकी इंट्यूशन ऐसे काम कर रही है, आपको ऐसे करना चाहिए, इंट्यूशन पावर को ऐसे बढ़ाना चाहिए. जानते हैं ये एक्चुअली है क्या. 4 मेजर एवेन्यूज हैं जिससे हम अपनी साइकिक या इंट्यूशन को टैप करते हैं. इन्हें हम 4 मेजर क्लेयर्स बोलते हैं, जिनके नाम है क्लेयर ऑडियंस, क्लेयर वॉयंस, क्लेयर सेंशियंस
एंड क्लेयर कॉग्निसेंस, ये चार मेजर क्लेयर्स हैं। अब इनमें से कितने ऐसे होंगे जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, या आप लोग सुन चुके होंगे बट एक्सपीरियंसेस सबके अलग अलग रहते हैं। सो लेट्स नो दिस बेटर। क्लेयर ऑडियंस क्या होता है? क्लेयर ऑडियंस यानी कि कुछ आवाज आपके दिमाग में अचानक से आ गई, कोई मैसेज आ गया, आप किसी की रीडिंग कर रहे हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा क्या मेरा ये काम होगा या नहीं, और आपको ऐसा लगा जैसे आपके मन में किसी ने नो बोल दिया, आपने सामने क्वेरेंट को वैसे ही बोला, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आपका क्लेयर ऑडियंस एक्टिव है, आपका ये क्लेयर खुल गया है। ये आवाज कभी भी ऐसी हार्श नहीं होती है, रैश आवाज नहीं होती है, बहुत ही सूदिंग सी आवाज होती है, और ये आवाज आप पहचानते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप उसे फिजिकल वर्ल्ड में पहचानते नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस आवाज को आइडेंटिफाई कर पाता है और इसीलिए रिस्पॉन्ड करते हैं आप। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका वहां से कनेक्शन बैठता है। मैसेजेस जो क्लेयर ऑडियंटली आप रिसीव करते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उसमें बटर कोटेड या शुगर कोटेड वर्ड्स नहीं होते, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मिलेंगे मैसेजेस जो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कई बारी कुछ शब्दों के फॉर्म में होता है, कई बारी कुछ रंग, कई बारी कुछ नंबर्स, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें आइडेंटिफाई करनी है, इन्हें एक्नॉलेज करना है, इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आप जब एक्नॉलेज करेंगे तभी आप आगे इसमें बढ़ते जाएंगे। जैसे आपको कोई मैसेज ऐसे मिलता है कि सबकॉन्शियस ब्लॉक है, या कोई भी टाइमिंग से रिलेटेड या कुछ भी, आपको अचानक से कोई गाना चल जाता है दिमाग में कि ये, तो वो क्या है, वो गाने के जो लिरिक्स है वो एक्चुअली एक मैसेज है जो आपको रिसीव हो रहा है। कई बारी कोई पर्टिकुलर सेइंग या कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिमाग में चल जाता है, जैसे अभी मैं जब आपसे बात कर रही हूं मेरे दिमाग में मैसेज आ रहा है बार बार, एंजल मैजिक बिगिन नाउ। तो व्हाट इज दिस हैपनिंग इज कि मेरे दिमाग में एंजल्स आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट दैट दे आर गोइंग टू कनेक्ट, वो कनेक्ट हो रहे हैं, तो मैं इसे इग्नोर नहीं करूंगी, आई एम गोइंग टू पे माई ग्रेटिट्यूड टू द एंजल्स कि वो मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स को मैं ग्रेटिट्यूड पे करूंगी कि यूनिवर्सल एनर्जीज मुझसे कम्युनिकेट कर रही हैं और मैं उसे समझ पा रही हूँ, तो खुद को भी हम इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। दूसरा जो हमारा क्लेयर है दैट इज क्लेयर वॉयंस। क्लेयर वॉयंस को काफी लोग साइकिक से एसोसिएट करते हैं। ये कैसे होता है? क्लेयर वॉयंट मैसेजेस तब होते हैं जब आप कुछ कर रहे हो और आपकी आंखों के सामने जैसे एक पिक्चर सी दौड़ गई, एक फ्लैश सा आ गया, आपको कुछ दिख गया, आप उस समय उस पर्टिकुलर जगह पे मौजूद नहीं है। सपोज हीलिंग करते हुए मुझे कई बार ऐसा आभास होता है कि मैं जिसके लिए हीलिंग कर रही हूं वो क्या फील कर रहा है, क्या उसके आसपास कौन सी एनर्जी है। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विथ मी, मैं क्लेयरवॉयंट हूं, मेरी क्लेयरवॉयंस या ये क्लेयर बहुत एक्टिव है, तो इसलिए मैं वो इमेजेस देख पाती हूँ, मैं उन चीजों को देख पा रही हूँ जो एक्चुअली मेरे आसपास के एनवायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। कई बारी हमें ये बहुत तरीकों से फील होता है। अगर चैताली जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम आप जो इसमें ये जो क्लेयरवॉयंस का बात कर रहे हो, तो जो आप टैरो कार्ड आकाशिक टैरोट आपने बताया था, तो उसमें भी उसमें जैसे जो नॉर्मल हम लोग जो आकाशिक रीडिंग करते हैं उसमें हम लोग मेडिटेशन में जाके हमें जो अभी जैसे कि मुझे फील होता है और थॉट्स दिमाग में आते हैं, ओके सुनाई नहीं देता बट थॉट्स आते हैं, तो मैं क्लेयरी ऑडियंस हुई ऑडियंस सॉरी आई डोंट नो व्हाट इज इट। तो आप जो टैरो कार्ड से करते हो
तो उसमें क्या फर्क रहता है? देखिए आप मेडिटेशन स्टेट में जाके करते हैं आकाशिक एंड पीएलआर, दो दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर सेशन, आकाशिक और पीएलआर मेडिटेशन में जाके हर कोई ट्रांस स्टेट तक नहीं पहुंच पाता, एंड देन हर किसी को ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है दैट आर यू कनेक्टेड विद द करेक्ट एनर्जीज और नॉट, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज हैं हमारे आसपास, हम किस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं हमें नहीं पता। कई लोग का मेडिटेशन हो ही नहीं पाता है, ट्रांस में जाना तो बहुत दूर है, तो उस केस में हम कार्ड्स को रेफर करते हैं, क्योंकि कार्ड्स भी आपकी खुद की एनर्जी से कनेक्ट होके जब बताते हैं तो वो वही चीजें बताते हैं जो आप अदरवाइज मेडिटेटिव स्टेट में जाकर देखते हैं। बट मैंने वो सेशन मिस कर दिया, तो वापस रहने वाला है वो सेशन? देखिए वो तो एक ओपनिंग वेबिनार था, आज उसका पहला क्लास है शाम को 5:30 बजे से। क्या तो फीस लोग मैम उसके लिए आप अकेडमी में कनेक्ट कर लीजिएगा, सेम फी स्ट्रक्चर है। और थैंक यू। सो क्लेयरवॉयंस में आप कई बारी ऐसी इमेजेस देखते हैं जो एक्चुअली वहां पे मौजूद नहीं है, जैसे टुडे मॉर्निंग आई वॉज हीलिंग अ बॉय, उसको कुछ हेल्थ इश्यूज थे, आई वॉज हीलिंग, उसके फादर अभी कुछ टाइम पहले ही जस्ट पास, सो आई कुड सी हिज फादर्स शैडो वेरी मच प्रेजेंट विथ हिम इन दी हॉस्पिटल। फिर मैंने वहां कम्युनिकेट किया कि उसके फादर की ब्लेसिंग्स उसके साथ हैं, वो भी कहीं ना कहीं वही मौजूद है, जस्ट टू सी कि उनका सन रिकवर कर जाए, एंड ही विल रिकवर। सो द मदर वॉज अ बिट रिलैक्स। तो ये बहुत बारी होता है कि आपके साथ ऐसी चीजें होंगी जहां जो जहां पर आप नहीं है आप वो देख पा रहे हैं, जैसे रीडिंग करते हुए टैरो कार्ड्स जब आप स्प्रेड करते हैं, आप किसी के लिए स्प्रेड निकाल रहे हैं, उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है और अचानक आपके दिमाग में कोई इमेज दौड़ गई, तो वो इमेज को आपको इग्नोर नहीं करना है, दैट इज कि आपका क्लेयरवॉयंस एक्टिव हो रहा है। ये इमेज उस क्लाइंट से कैसे रिलेट हो रही है हमें ये आइडेंटिफाई करना है। आपके क्लाइंट का क्वेश्चन क्या है? सपोज उनका क्वेश्चन कहीं जर्नी का है और आपको अचानक से हिल्स दिखते हैं, तो इसका मतलब वो हिल स्टेशन जाने वाला है। सपोज उसका वो क्वेश्चन जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है और आपको पर्टिकुलर किसी जगह की यूनिवर्सिटी दिख गई या आपको कोई बिल्डिंग दिख गई, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो उस पर्टिकुलर जगह पे जाने वाला है। तो ये सारी चीजें क्लेयरवॉयंस बताता है आपको। फिर जो इमेजेस आपके दिमाग में आती हैं आपको हमेशा उस पर ध्यान देना है, क्योंकि ये ही आपकी इंट्यूशन को बढ़ाती है, आपके क्लेयर सी आपकी इंट्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर है क्लेयर सेंशियंस, ये फीलिंग के थ्रू आता है। कई बारी जैसे हम कुछ कर रहे होते हैं या किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, सो वी स्टार्ट गेटिंग अ पर्टिकुलर फीलिंग। जैसे कोई अगर घर पे आ रहा है और आपको पता है वो पर्टिकुलर इंसान आ रहा है, अचानक से आप बहुत खुश हो जाते हैं। कोई अगर ऐसा आ रहा है, कोई ऐसा इंसान आपसे मिलने आ रहा है जिसकी एनर्जीज बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है या प्रॉमिसिंग नहीं है, तो आपको कपकपी सी छूटती है या एक अचानक से घबराहट महसूस होती है। सो व्हाट इज दैट? दैट इज क्लेयर सेंशियंस। आपकी फीलिंग्स, आपकी सेंसेस, आपकी इंद्रियां आपको पल पल ये बताती है कि आने वाला कैसा है, तो ये सेंशियंस हुआ। फिर अगर किसी को कोई फिजिकल एलिमेंट है और आप वो पेन फील कर पा रहे हैं या आप वो चीज फील कर पा रहे हैं, जैसे मेरे साथ होता है कई बारी मेरे से क्लाइंट्स जब कनेक्ट करते हैं ओवर अ फोन कॉल भी, मुझे ऐसा फील होता है उनकी आवाज से कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रही है, और मैं उन्हें बताती भी हूँ कि आपकी आवाज से ये फील हो रहा है, अभी आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो वो मुझे फिर बोलेंगे कि हाँ मैम हो रहा है, आपको कैसे पता? बट दिस इज क्लेयर सेंशियंस।
कि आप वो क्लेयर डेवलप कर लेते हो कि दूसरों की फीलिंग आप फील कर पाओ. एट टाइम्स ऑफ हीलिंग जब आप हील कर रहे होते हो तो वो आपके हाथ के थ्रू सारी एनर्जीज आप फील करते हो. सो वाइल हीलिंग पेन एट टाइम्स ये होता है कि आपको खुद की बॉडी में पेन आ जाता है, तो वो और कुछ नहीं है, दैट इज क्लेयर सेंशंस मैसेज जो आपको मिल रहा है. तो इसका मतलब आपका ये क्लेयर ओपन हो रहा है. फिर आता है क्लेयर कॉग्निजेंस. अब आपको अगर किसी चीज के बारे में पता चलता है तो दैट इज क्लेयर कॉग्निजेंस. इंट्यूटिव एबिलिटी को हम क्लेयर कॉग्निजेंस कहते हैं जब आपका ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से डाउनलोड कर पाता है. अब जैसे आपके दिमाग में कोई इमेज रन की या कोई साउंड आपको लगा, महसूस हुआ कि आपने सुना और आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए, उस मोमेंट पे आप उसे उस इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर पाए, तो वो हो जाएगा क्लेयर कॉग्निसेंस. क्योंकि देखिए क्लेयर्स हम सबके खुले होते हैं, किसी ना किसी के कोई ना कोई क्लेयर खुला होता है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को सही दिशा में इंटरप्रेट कर पाना, उसको सही तरह से सामने वाले को बता पाना इज क्लेयर कॉग्निसेंस. और इसमें आप कुछ भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते बिकॉज ये एक डिविनेशन टूल है. ये बताता है कि आपका कनेक्शन बन गया है. यहाँ पे आपका लॉजिकल ब्रेन आंसर नहीं करता है, आपकी इंट्यूशन आंसर करती है क्लेयर कॉग्निसेंस के जरिए, और ये हमेशा आपको बताती है कि कुछ अमेजिंग आंसर्स आपके खुद के आसपास हैं. फिर इसके अलावा जो चार क्लेयर्स आपको बताए थे, इसके क्लेयर्स होते हैं जिसमें से एक क्लेयर है क्लेयर एलियंस. अगर आप खुशबू या स्मेल आइडेंटिफाई कर पाते हैं डिस्टिंक्टली, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और उस समय आप स्मेल आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो उससे क्या पता चलता है कि आपका क्लेयर एलियंस एक्टिव हो गया है. आपको अचानक से स्मेल आने लगती है. जैसे अभी रिसेंटली आई वाज डूइंग स्पेस क्लेंजिंग, एक मेरे क्लाइंट है उनके लिए स्पेस क्लेंजिंग कर रही थी क्योंकि उनके घर में उन्हें कुछ ऐसा फील हो रहा था कि एनर्जीज बहुत हैवी है. तो स्पेस क्लेंजिंग करते हुए उनके घर में वो क्या बना रहे हैं, उस चीज की महक मैं महसूस कर पा रही थी. और फिर मैंने उनसे ये चीज वेरीफाई भी की कि आपके किचन में ये बन रहा है इस समय, तो उन्होंने कहा हाँ मैम आपको कैसे पता. तो वो स्मेल क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपका क्लेयर एलियंस एक्टिव है. और ये कई बार होता है, जैसे एंजेलिक प्रेजेंस जब होती है तो अभी आप आगे महसूस भी करेंगे जब हम एंजल कनेक्शंस में जाएंगे, तो हमारे आसपास हमें एक अजीब सी खुशबू महसूस होती है. कई पार्टिसिपेंट्स जो पिछले सेशंस में थे उनमें से कुछ ने बटरफ्लाइज देखी, कुछ को फेदर्स मिले, कुछ को कॉइन्स मिले, कुछ को खुशबू महसूस हुई, तो इसका मतलब कि उनका क्लेयर एलियंस एक्टिव हो गया था या एक्टिव होगा, उन्होंने एक्नॉलेज तब किया होगा. तो ये सारी आपके इंद्रियों के थ्रू ही सारे कनेक्शंस बनते हैं. अगर आप इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं तो आप इसमें आगे ग्रो कर जाते हैं. फिर है क्लेयर गस्टन्स, ऐसी चीज का स्वाद आना जो उस समय वहां पर नहीं है, या किसी ऐसी चीज का स्वाद मुंह में आना जो आपने चखी भी नहीं, आपने उस समय खाए भी नहीं. अब ये कैसे होता है, सपोज आप किसी से कनेक्ट कर रहे हैं और कनेक्ट करते हुए सपोज उनकी कोई फेवरेट डिश थी या कोई पर्टिकुलर फ्लेवर जो बहुत ज्यादा पसंद था, उसका फ्लेवर आपके मुंह में आ गया. अभी जैसे इफ आई ट्राई कनेक्टिंग विथ माई मॉम,
तो इलायची का फ्लेवर मुंह में आता है, उनको इलायची अच्छी लगती थी तो वो फ्लेवर ऑटोमेटिकली मुंह में आ जाता है। तो ये क्या है, ये आपका क्लेयर गस्टन्स का फीलिंग होता है। आप कभी किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे रीडिंग के लिए आप कनेक्ट करते हैं, तो ये जब भी आप फील करें कि किसी पर्टिकुलर फ्लेवर को आप अपने मुंह में महसूस कर पा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका क्लेयर गस्टन्स ओपन हो रहा है। तो आपको उसको एक्नॉलेज करना है, आपको यूनिवर्स को थैंक यू कहना है, आपको कॉस्मिक एनर्जीज को थैंक यू कहना है कि आप इसे फील कर पा रहे हैं। अनुराधा जी, आपका क्वेश्चन। अनुराधा जी, ओके, वील टेक द क्वेश्चन। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जो स्पिरिट का वर्ड यूज कर रहे हैं वो वर्ड आप स्पिरिट नहीं, सॉरी, आप एनर्जीज का वर्ड यूज कर रहे हैं, वो स्पिरिट्स के लिए कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है मैम स्पिरिट्स के लिए हो। ओके मैम, पर अभी आपने एग्जांपल दिया ना कि मेरी मम्मा की मतलब फेवरेट थी इलायची। माय मदर इज एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड, प्लीज। ओके ओके, मतलब अगर मैं उनकी एनर्जी से अगर मैं किसी की एनर्जी से कनेक्ट कर रही हूँ और कोई पर्टिकुलर फ्लेवर उन्हें पसंद है, तो उसका अगर फ्लेवर मैं महसूस कर पाती हूँ या उसकी खुशबू मैं महसूस कर पाती हूँ, तो इसका मतलब मेरी एनर्जीज वहां से कनेक्ट हो रही है, मेरा वो पर्टिकुलर क्लेयर एक्टिव हो रहा है। ओके मैम, मैं क्लियर रही थी इसीलिए मैंने आपको पूछा। कोई बात नहीं। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके ओके, सो दिस वाज अबाउट द डिफरेंट क्लेयर्स। आप लोगों ने बेसिकली चार क्लेयर्स सुने होंगे, पर क्लेयर्स उससे ज्यादा भी होते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप डेवलप करने लग जाते हैं। ये आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी था। अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज ये आइडेंटिफाई करना कि हमारा कौन सा क्लेयर एक्टिव है। यस, कोई यूजर करके आ रहे हैं? यस यस मैम, मैम इट इज टोटली डिफरेंट व्हाट वी हैव लर्न्ड बिफोर, एक्चुअली बेसिक एंड एडवांस जो हमने सीखा था उससे अलग है ये सारा। बेसिक एंड एडवांस रिगार्डिंग टू व्हाट यू हैव लर्न्ड? टैरो, टैरो। देखिए बेसिक टैरो में मैंने कभी भी क्लेयर्स नहीं सिखाया, आपने जहां से भी सीखा है उनसे आप बता पाएंगे हाउ डिफरेंट इट इज। ये राइडर वेट्स का एडवांस्ड है, जहां हम एनर्जीज के कॉम्बिनेशन को यूज करके भी एनहांस आवर रीडिंग। ओके ओके, राइट, थैंक यू। सो हाँ जी प्रमिला जी, मैम ये वाला कोर्स करने के लिए बेसिक वाला कंप्लीट करना जरूरी है, राइट? बेसिक यस, आपको कार्ड्स के इंटरप्रिटेशन पता होने चाहिए, ये प्री रिक्विजिट है इस कोर्स का। एडवांस तभी आप कर सकते हैं जब आपको बेसिक क्लियर हो कि आप राइडर वेट्स कार्ड को इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, उसके स्प्रेड्स को जान पा रहे हैं, तभी एडवांस का फायदा है। ओके ओके, so how you're going to develop your clairs? हमारे clairs कैसे होते हैं? जैसे आपने रेडियो पुराने जमाने का देखा होगा, उसमें फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ती थी, एक ट्यूनर होता था, तो उस ट्यूनर को घुमा के हम फ्रीक्वेंसी सेट करते थे और फिर हम गाना सुन पाते थे। नीना जी आपका क्वेश्चन। यस मैम, आपने जब अभी सिर्फ लास्ट टाइम जो वेबिनार लिया था तो वो कोर्स के लिए डिफरेंट था क्या? सेम कोर्स है ना जो आज स्टार्ट होने वाला है? आज शाम को है आकाशिक और पीएलआर टैरो का। बट उस वाले वेबिनार में तो आपने बोला था कि जो न्यू कमर्स हैं वो भी अलाउड है,
क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मेरा मैंने तो पहली बार करना है। मैम वो आकाशिक और पास्ट लाइफ टैरो है, ये राइडर वेट टैरो है, डेक कंप्लीटली डिफरेंट है, कंसेप्ट बिल्कुल अलग है और राइडर वेट्स की हम बेसिक जर्नी कर चुके हैं। ओके 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 तो उसके लिए आपको प्री रिक्विजिट नहीं है कि आपको टैरो की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें तो मैं स्क्रैच से करा ही रही हूँ। इसके लिए यस प्री रिक्विजिट है। अच्छा ये दूसरा वेबिनार है। ओके आई थॉट इट्स अ रिपीटेशन ऑफ द सेम वन। नहीं 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 वो वाला तो आज शाम को है 5:30 बजे। ठीक है थैंक यू मैम। थैंक यू। अनुपमा जी वी हैंडल क्वेश्चंस एट द लास्ट मैं एट द एंड ऑफ द सेशन मैडम इतने इंटरप्शंस हो गए कि आपका फ्लो भी माने आई मीन एटलीस्ट आई हैव डिफिकल्टी क्वेश्चंस यदि थोड़ा सा बाद में बिकॉज दिस इज अ वेबिनार आई मीन आई थिंक सो आई मे बी रॉन्ग मैडम सर एक्चुअली Most of the participants are getting confused because we have 2 tarot sessions today only. Yes. So that is where I need to clarify at each step because otherwise... Okay, madam. Go ahead. Please. Okay. Anupama ji, aapka question? Yes. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, mujhe ye puchna tha ki aap is jo ye advanced course hai, isme cards ki detail nahi batayenge kya? Ki cards kya, unke symbology wagera? Wo basic mein tha. Okay. Wo basic hai. Basic, abhi humne 2 months ki journey apni ki hai. Aur kaafi participants basic wale hi hai jo yahan par hai. तो वो इंटरप्रिटेशन पार्ट हम कर चुके हैं। एडवांस्ड इज द लेवल वेयर यू नो द इंटरप्रिटेशन। तो अपनी रीडिंग को आप कैसे एनहांस करेंगे, उसको कैसे फाइन बनाएंगे और कैसे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी और डिफरेंट कंसेप्ट्स को कंबाइन करेंगे रीडिंग के लिए, दैट इज व्हाट द एडवांस्ड इज अबाउट। ओके मैम, तो जिन्होंने बेसिक नहीं किया हुआ है तो आप उनकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह दे सकते हैं वो हमें हाँ, उसके लिए यू कैन एग्जैक्टली यू कैन गेट इन टच विद द एकेडमी एंड देन यू कैन गो अहेड फॉर बेसिक और उसके साथ साथ आप एडवांस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके सो नाउ वी मूव अहेड के हम अपने क्लेयर्स कैसे डेवलप करते हैं। जैसे कि रेडियो में हमें फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ती है और सही सिग्नल पे जब फ्रीक्वेंसी सेट होती है तो हमें क्रिस्टल क्लियर वॉइस सुनाई देती है। गाना एकदम साफ सुनाई देगा, रेडियो एकदम साफ सुनाई देता है। वैसे ही यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास कौन से एंटेना है, हमारे 5 सेंसेस यानी कि हमारी इंद्रियां जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो हम उन इंद्रियों पे रिलाय करेंगे कि अपने क्लेयर्स को हम मजबूत कैसे बनाए कनेक्शन के लिए। ये क्लेयर सेंसेस एक तरीके से हमारी साइकिक एबिलिटीज भी हैं। तो जो लोग इंट्यूशन बढ़ाना चाहते हैं, साइकिक एबिलिटीज बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रैक्टिस बहुत हेल्पफुल है। जब आप अपनी इंट्यूशन में टैप करते हो तो आपकी बॉडी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करती है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर सबसे पहली चीज, अचानक से खुशबू आना, कोई टेस्ट आना, साउंड कोई सुनाई देना, कुछ इमेजेस दौड़ना, फीलिंग्स आना, कुछ थॉट्स आना। तो ये सब क्या है, ये आपकी इंद्रियां अलग अलग तरीके से फ्रीक्वेंसी टैपन करने की कोशिश कर रही है। अब जो फ्रीक्वेंसी आप पकड़ पाते हो वो पर्टिकुलर क्लेयर आपका खुल जाता है। सपोज आपने इमेज आइडेंटिफाई कर ली तो आपका क्लेयर वॉयंस खुलता है। अगर आप साउंड आइडेंटिफाई कर रहे हो तो क्लेयर ऑडियंस खुल रहा है। तो इसी तरीके से हम अपने क्लेयर्स को एनहांस करते हैं। अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, राइट? सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप सब अपनी वीडियोस ऑन करेंगे थोड़ी देर के लिए। एंड दिस इज अ वेरी स्मॉल एक्सरसाइज
हार्डली 2 to 3 minutes. इससे ऊपर ये नहीं लेगा, बट देन आपको बाय द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कौन से क्लेयर्स एक्टिव हैं और कहाँ आपको काम करने की जरूरत है. तो आई गिव यू 1 minute. आपके पास 1 minute है. आप जहां कहीं भी बैठे हैं उस जगह में हर चीज को बड़े गौर से देखिए. आपके आसपास की हर चीज को, छोटी से छोटी चीज को नोटिस कीजिए जो आपके आसपास है. आपको हर चीज नोटिस करनी है. अगर कोई पेन रखा है, पेन का कलर, अगर कोई पिक्चर है तो पिक्चर का बैकग्राउंड कैसा है, क्या है वो पिक्चर, अगर कोई कलर की बेडशीट है या कोई टेबल कवर है, तो हर चीज को नोटिस कीजिए अपने आसपास. बहुत ही अच्छे से उसको आप नोटिस कीजिए. राइट. अब आप लोग सब क्या करेंगे, आप लोग अपनी आंखें बंद करेंगे एंड यू जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एज आई गाइड यू थ्रू. प्लीज आप लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए. ओके, वी स्टार्ट इन बाय डीप ब्रीथिंग. आप इनहेल करेंगे, गहरी सांस को अपने अंदर ले जाए और फिर एक्सहेल कीजिए. जैसे जैसे आप एक्सहेल करेंगे, आप अपने शरीर से सारे नकारात्मक विचार या सारे विचार जो इस समय आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं उन्हें आप निकालेंगे. आप फिर से इनहेल करेंगे और 2 काउंट्स के बाद एक्सहेल. जैसे जैसे आप एक्सहेल करते जा रहे हैं, आप सारे विचारों को अपने मन से निकालते जा रहे हैं. हर वो विचार जो आपको डिस्टर्ब कर सकता है आपके मन से निकल चुका है. अब आप आंख बंद करके ही अपने रूम को विजुअलाइज करेंगे. उसके लिए आप अपने मन की आंखों का यूज करेंगे. आप इमेजिन कीजिए जहां आप बैठे हैं उस जगह पे. आपके आसपास आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं उन्हें विजुअलाइज कीजिए. इस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपकी स्किन कैसा फील कर रही है, उस फीलिंग पे अपना ध्यान लाइए. क्या आपको अचानक से ठंड महसूस हो रही है, सेटिंग लग रही है, इन चीजों को महसूस कीजिए. कोई इमेज अचानक से आपके दिमाग में अगर आ रही है उसकी ओर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए. कोई फ्लैश, कोई नंबर, कोई शब्द अगर सुनाई दे रहा है या कुछ आंखों के आगे दौड़ रहा है तो उसकी ओर ध्यान दीजिए. अब विजुअलाइज कीजिए जहां आप बैठे हैं आसपास कौन से रंग हैं. आपके रूम की लाइट्स कैसी हैं, आपके आसपास जो भी सामान है वो किस कलर में है, जो जो बारीकी आप देख पा रहे हैं आप वो देखने की कोशिश कीजिए. इनफैक्ट अगर आप खुद को देख पा रहे हैं तो खुद को भी देखिए कि आप खुद कैसे दिख रहे हैं, आपने कौन से कलर की चीजें पहन रखी है. अभी आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे.
अब आप अपने आसपास देखिए, जो जो चीजें आप विजुअलाइज कर रहे थे, क्या वही चीजें आपके आसपास है? क्या आप वो चीजें अपने मन द्वारा देख पा रहे थे, या कुछ आप एक्सपीरियंस कर पा रहे थे, चेंज इन बॉडी टेम्परेचर या कुछ भी? तो प्लीज शेयर सो दैट वी नो कि आपके कौन से क्लेयर्स एक्टिव हैं। मैम, हाँ जी, हाँ, मुझे तो जैसे आपने बोला कि क्या आप अचानक से कुछ ठंडा महसूस कर रहे हैं, उससे पहले से ही मुझे झुरझुरी जैसे बॉडी में हो जाती है, वैसे फीलिंग आनी शुरू हो गई थी, और पूरे बॉडी में जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पैरों में झंझनाहट, ये सब शुरू हो गया था मेरा। और उससे पहले हाँ, सब कुछ शो हो रहा था। और उससे पहले थॉट्स क्या थे आपके, आप किस बारे में सोच रहे थे मैम? मैम सुनाई नहीं दिया, क्या बोला आपने? मैं पूछ रही हूँ, उससे पहले आपके थॉट्स क्या थे, आप किस बारे में सोच रहे थे? मेरे थॉट्स यही थे जैसे कि भी क्या होगा, अब आप जो सिखा रहे हैं उसमें मुझे क्या सीखने को मिलेगा, मतलब मेरे कौन से क्लियर हैं, तो वो मुझे वही थॉट्स थे मेरे माइंड में, और तो कुछ थॉट्स ऐसे नहीं। पर जो मुझे वाइब्रेशन आ रही है आपसे, वो आपके बेटे के थॉट्स की आ रही है, आई डोंट नो व्हाई, आप अपने बेटे से रिलेटेड कुछ सोच रहे थे? हाँ, उससे यानी बिल्कुल पहले जब बैठी थी तब तो बेटे के बारे में ही सोच रही थी, तभी आज वो जल्दी चला गया बिना ढंग से खाए पिए, तो दिमाग में वही चल रहा था। वो तभी वो आपके पूरे आवाज से वाइब्रेशंस ही वही आ रहे हैं कि आप अपने बेटे के बारे में सोच रहे थे, और जो आपने महसूस किया, जो आपकी स्किन ने आपको बताया, वो था एक अनकंफर्टेबल जोन, क्योंकि आपका बेटा बिना खाए पिए चला गया। सो दैट वॉज योर ओन फीलिंग, उसे आप इग्नोर नहीं करेंगे, इसे आप एक्नॉलेज करेंगे कि ठीक है, एक माँ होने के नजरिए से आप ये चीज फील कर पा रहे हैं, राइट? तो ये आपको यूनिवर्स ने एक तरीके का गिफ्ट दिया, इसको हम बढ़ाएंगे तो हम ये चीजें रीडिंग में इम्प्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना? मैडम, यस सर। मैडम, ठंड की जगह गर्मी भी क्या महसूस हो सकती थी? बिल्कुल सर, बिल्कुल होती है। अच्छा, तो मैंने आई फेल्ट दैट, मैंने एक वार्म टेम्परेचर है, और आई वॉज थिंकिंग ऑफ माई सिस्टर्स, नेचुरली एल्डेस्ट सिस्टर इन पर्टिकुलर, एंड ऑल्सो थोड़ा सा आकाशिक के बारे में, क्योंकि मैंने अटेंड नहीं किया वेबिनार, तो आकाशिक टैरो जो है, बिकॉज आई अटेंडेड आकाशिक, पहले मैंने एक ही क्लास अटेंड किया था, दो आई बिकेम ए मेंबर ऑफ दैट ग्रुप, मैंने आई पार्टिसिपेटेड, लेकिन मुझे आकाशिक कुछ समझ में नहीं आता, सो आई लेफ्ट मैडम, कुछ मुझे लग रहा था कि नहीं होता कुछ ऐसा मेरा, क्योंकि इंट्यूशन नहीं काम कर रहे थे तब, तो मैं आपके एट द एंड ऑफ द क्लास आई विल आस्क वन और टू सेंटेंसेस अबाउट आकाशिक, सिंस द क्लासेस आर बिगिनिंग दिस इवनिंग, एंड मैंने यही सोचा मैडम सिस्टर्स के बारे में, बिकॉज आई एम ओवर कंसर्न नाउ, एवरी डे इन द मॉर्निंग आई स्टार्ट थिंकिंग, बिकॉज इतना बैड कंडीशन है, और मेरे को गर्मी लगी, ठंड की जगह गर्मी लगी शुरू में बॉडी में। सर, यू ऑलवेज चीज हमने पहले भी महसूस की थी, जो आपको गर्मी लगी, दैट वॉज द वॉर्मथ एंड अफेक्शन गिवन बाय योर पेरेंट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, विच इज रिक्वायर्ड, एक्चुअली रिक्वायर्ड बाय यू ऑल्सो एंड योर सिस्टर ऑल्सो, सो विल पे ग्रेटिट्यूड towards those blessings that you received from your parents. Right, sir? Sir, you are on mute. Aap unmute kar lijiye. Sorry. Main aapko sister ki photograph bhej dunga. Jaisa aapne advice diya tha, aap thoda sa healing, matlab is gone case I know, thoda sa healing de de to
थोड़ा सा मतलब हो सकता है कोई इमेटलाइज करे बात. श्योर सर, आप पिक्चर भेजेंगे तो आई स्कैन द एनर्जीज एंड आई लेट यू नो द सिचुएशन आल्सो. ओके मैडम, ओके सो थैंक यू सो मच मैडम. डॉक्टर अश्विरा, मुझे ठंड वगैरह कुछ नहीं लगी, बट व्हेन यू आस्क्ड मी टू विजुलाइज आई हैड अ स्लाइट हेडेक इन दैट शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. ओके, एंड ये हेडेक आपने इससे पहले मेडिटेशन या ऐसा कुछ ट्राई किया है? हाँ, आई डू एवरी डे. ओके, यू प्रैक्टिसिंग एवरी डे? यस. और अभी जैसे आपका ये था जब आप विजुलाइज कर रहे थे, तो आपके आसपास कोई बहुत हेवी चीज रखी है? हेवी इन द सेंस माय टेबल इज फुल ऑफ बुक्स एंड जर्नल्स एंड माय टैरो कार्ड डेक एंड पेन स्टैंड एंड वाटर एंड ग्लास. सो हेवी इन द सेंस इट्स माय डेली स्टफ ऑन इट. ओके, see because it is whenever we are working towards our clairs, we are in short we are connecting with the divine energies. जब भी हम clairs के साथ काम कर रहे हैं और जब भी हम angelic connection या कोई भी divine connection बनाते हैं, तो उससे पहले we always cleanse the space. Okay, so जो heaviness आप feel कर रहे थे, मैंने आपसे इसलिए पूछा because while you were talking, I could feel lot of stuff around you. Yeah, otherwise it's fine, but my table has a lot of stuff, definitely. And that's my daily stuff types. So maybe that requires a rotation. Kuch aisa hoga jo aapne bahut time se move nahi kiya hai wahan se. No, no. So my furniture is fixed, but my table stuff keeps moving stuff. It's a... That was one indication that I could get from your words ke yahan pe bahut sara saman hai. Because we need up my table. You need to lighten. See, what happens is, jabhi bhi hum kuch aisa connection banate, aap aage ye padhenge bhi is course ke dauran, ki jabhi bhi hum kuch aisa connection banate hain, we always cleanse the area where we sit. और जैसे आप मेडिटेट करते हैं, आप खुद भी प्रैक्टिस करते होंगे कि जहां आप मेडिटेट करते हैं वो जगह हल्की रहे, शांत रहे, राइट? तो थोड़ा सा रोटेशन ऑफ एनर्जीज इज रिक्वायर्ड इन योर प्लेस, वर्क प्लेस, दैट्स इट. ओके, थैंक यू. सुमित सर, आपका क्वेश्चन. मैम, आई डिडंट गेट एनीथिंग मैम. बट योर फेस वॉज वेरी काम. Yes, ma'am. Actually, last when I told you a month back, when I close my eyes, my heart beats, and that is slowed down. Now it doesn't run away like what you spoke a month or 6 weeks back. But there was nothing. Only something felt like I'm not able. It's like a bottle or something with a helicopter blade. I don't know why, something like I couldn't figure it out what that was. That's the only thing which I could for a flash of a second, nothing else. Or baki room se related, could you visualize anything? I don't know why my heart, my thoughts went off to my daughter's pinup board. Both our tables are the same. So a couple of months back that was changed to a green color. I don't know why that thought came in my mind. But I couldn't see it. But then that thought itself is indicating something. You've included a color that is new, maybe. Yeah. So that is something that was being put forward. So abhi you're using the same table. Yeah, I'm sitting in my same table for the last 1 year, ma'am. I have not done any changes. Nothing. लेकिन उनका वो चेंज हुआ, सो दैट इज समथिंग दैट गॉट टू योर नोटिस. या बट व्हाई वुड दैट हैपन व्हेन आई एम इन क्लास विद यू? दैट्स सर, सी इट इज समथिंग और द अदर. व्हेन इट इज देयर इन योर सबकॉन्शियस माइंड, इट विल रिफ्लेक्ट बैक, एंड इट विल रिफ्लेक्ट बैक ओनली व्हेन यू आर इन योर मेडिटेटिव स्टेट, व्हेन योर लॉजिकल माइंड इज नॉट फंक्शनिंग. सो इन रिगार्ड्स टू दैट, अगर मैं बात करूं तो जैसे आप पहले नहीं कर पा रहे थे मेडिटेशन,
आज वो चीज नहीं दिखी मुझे, आज मेरे को दिखा यू वर एबल टू कनेक्ट, क्योंकि ये दैट इज वन पॉजिटिव एस्पेक्ट. क्योंकि पहले क्या होता था कि यू यूज टू फील आपका हार्ट पंप कर रहा है बहुत जल्दी जल्दी एंड आप नहीं फोकस कर पा रहे हो, बट आज आप उतना ही काम और सीरीन थे. सो दैट मींस के नाउ थिंग्स आर गेटिंग इन टैक्ट. धीरे धीरे क्लेयर्स जैसे जैसे ओपन होंगे, बिकॉज ये एक एक्सरसाइज है. अभी मैं आपको इसके दो तीन एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आप लोग खुद से डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे. हार्डली 2-3 मिनट्स की प्रैक्टिस है और इससे आपके क्लेयर्स धीरे धीरे खुलने लग जाएंगे. ठीक है, थैंक यू. डिंपल जी आपका क्वेश्चन. कैन एनीवन जॉइन दिस एडवांस कोर्स बेसिक कहीं और से मतलब करा हो? एक्चुअली मेरे को, मैंने बेसिक एडवांस सब करा है, टैरो रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, बट स्टिल आप क्या सिखा रहे हो एडवांस लेवल में, मैं भी सीखना चाहूंगी. तो एनीवन कैन जॉइन दिस या फिर आपसे बेसिक करा हुआ? नहीं नहीं, दैट्स नॉट मैंडेटरी. बेसिक आपको आना चाहिए, आपको कार्ड्स की इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए, दैट इज द प्रीरिक्विजिट. कि आप राइडर वेट्स पढ़ पाओ, बस वो एक प्रीरिक्विजिट है. आपने कहीं से भी सीखा हो, दैट इज इमटेरियल. ओके, और बाकी मैंने जो आंखें बंद करके मैं अपना रूम एज इट इज विजुलाइज कर पा रही थी, चीजें जो जहां पे है, जैसी है, जो कलर है, वैसा ही देख पाती हूँ. एंड व्हाट अबाउट द सेंसेशंस, एनी पर्टिकुलर सेंसेशन यू हैड एट द टाइम? सेंसेशन तो मेरे को ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो मे बी एसी की वजह से थोड़ा बहुत ठंडा होगा. एसी का टेम्परेचर तब कम करा हुआ था, बाकी सेंसेशन तो नहीं होती. ओके, तो आपको वैसे क्लियर दिखा सारा, विजुलाइज आप बिल्कुल क्लियरली कर पाए. हाँ, सो दैट इज गुड इनफ कि आपका एटलीस्ट वो विजुलाइजेशन पार्ट इज क्लियर, सो वी कैन वर्क ऑन अदर एस्पेक्ट्स देन. हाँ, मैं जैसे रूम है, जैसे जो चीजें जहां रखी है, जो कलर की है, जिस पोजीशन पे, वैसे का वैसे वापस विजुलाइज कर पाती हूँ. That's really good. So that will help you further, Pirto. That will be of great help. Anupama ji, ये आपका ये जो कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है, एडवांस वाला, अगर इन पर्सन टाइम क्या होगा, नहीं कर पाए तो? टाइमिंग यही रहेगा मॉर्निंग का 11 to 1. इट विल बी ट्यूजडेज एंड थर्सडे 11 to 1. मैं ट्यूजडेज एंड थर्सडे सैटरडे बिजी रहती हूँ. दूसरा टाइम नहीं है आपका बैच का? अभी फिलहाल इसका तो यही स्लॉट है, बाकी विल कंफर्म वंस. ओके, थैंक यू. अनुपमा जी आपका क्वेश्चन. यस मैम, मैं बताना चाह रही थी कि मुझे पूरा रूम का सारा कुछ जो जो मैंने देखा था सब कुछ क्लियरली विजुलाइज हुआ. एक और कुछ मेरे को एक लेडी सी दिखाई दी जो जिसके बाल खुले हुए थे, मतलब लड़की है एकदम यंग गर्ल, और मतलब बहुत अच्छे से वो अलग से दिखाई दिया. मुझे नहीं पता वो क्या था, कौन थी, कहाँ से आई, वो सब मुझे नहीं मालूम, बट वो एकदम अचानक बहुत क्लियर दिखाई दी थी. तो उसका क्या समझ है? वो दिखने से आपने क्या फील किया उस समय जब आपको दिखी, कि आपको डर लगा, आपको अच्छा महसूस हुआ, क्या फील किया? हाँ, डर भी नहीं लगा और बहुत ज्यादा अच्छा ऐसा कुछ नहीं लगा. मुझे लगा शायद मैंने कल कोई जो मूवी देखी थी, पर मूवी में वो नहीं थी वैसी कोई गर्ल, बट और गर्ल थी, तो मुझे लगा शायद उसकी तरह कुछ ऐसा आया होगा माइंड में, लेकिन डर नहीं लगा. ओके, डर नहीं लगा तो वील डिस्कवर ओवर. Because ये practices जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे और clarity आती जाएगी. Okay, मैं के लिए तो आप ये कर सकते हैं, आप purchase कर सकते हैं. फिर जब उसका live session दोबारा होगा तो that time your entry will be free. क्योंकि आपने one time, हाँ, repeat free होता है हमारी academy में. तो आप जैसे अगर purchase करते हैं और दोबारा आप join करते हैं, so that will be free for you. Okay, but just not you will not take.
अभी एकदम नहीं, अभी तो हमने कंक्लूड किया है. ओके मेरी हमें पता नहीं चला. थैंक यू सो मच रूबी जी. हाँ जी गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. जी कोर्स कब स्टार्ट होगा? ये अभी इंफॉर्मेशन आई विल बी शेयरिंग. आई थॉट आप अभी जो एक्सरसाइज कराए उससे रिलेटेड कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? नहीं मैम, मैं तो अभी ज्वाइन किया है. तो फिर आप अभी वेट करें बिकॉज कोर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अभी हम फ्लैश कर देंगे. सचिन जी आपका? मैंने लेट ज्वाइन किया. ये टैरो का है, एक विजुअलाइजेशन क्या करना है? ये हमारा टैरो का सेशन है एडवांस. जो बेसिक कर चुके हैं उनके लिए है बेसिकली ये, जहां हम टैरो के एस्पेक्ट्स को कनेक्ट करेंगे अलग अलग मोडालिटीज से. और फिर मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दूंगी. हाँ जी मानवपति. ओके कंप्लीट विद हिम. जॉब के बारे में था सर. रीडिंग का सेशन नहीं है ये बेसिकली सिखाने का है. जॉब के बारे में यस यू कैन जॉइन इन फॉर द प्रैक्टिकल सेशन जहां आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे. ओके नमस्ते मैम. सो माइसेल्फ मानसपति मैम. आई जस्ट जॉइन लेट बट आई जस्ट वुड लाइक टू अंडरस्टैंड दैट राइट व्हाट इज दिस टैरो एंड I could not understand because I joined late and things I think when the people are sharing their experience, I just would like to understand what it is and how we can be part of it. Sure, sir. I'll explain that also. Just let me take Pramila ji. You tell me your experience. जी मैम, मैंने मेरा visualization जो है वो strong के लिए identify कर लिया. आसपास टाइनी एंजल्स घूम रहे थे ऐसे मैंने देखा. कलर्स पिंक वॉयलेट गोल्डन ग्रीन ये सब कलर देखा. और जब आपने कहा कि जहां बैठे हैं वो कलर तो वो भी क्लियरली दिख रही थी. सो दैट मींस यू ऑलरेडी हैव एंजेलिक कनेक्शंस अराउंड एंड यू आर रियली ब्लेस्ड फॉर दैट. इसके लिए आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एंजल्स को ग्रेटिट्यूड पे जरूर करें, उनकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज जरूर करें ताकि वो आपकी हेल्प कर सके आगे भी. ओके थैंक यू सो मच. चैतन्य जी आप कुछ जानना चाह रहे थे? हाँ नमस्ते मैम. सारा आपने जैसे जैसे कहा वो क्लियर सब कुछ हुआ, बट जैसे ही आंख बंद की जो कान्हा जी की और राधा जी की जो फोटो नहीं मूर्ति नहीं रहती है साथ वाली, जैसे ही मैंने आंख बंद की वो यानी कलर वाइज उनके ड्रेस बढ़िया डेकोरेशन किए हुए वो बिल्कुल आंख बंद करते ही वो मेरे सामने आ गए. और फिर बाद में जैसे से आप बताते गए कि आप अपने जहां बैठे हो वहां की चीजों का कलर वगैरह वो सारी चीजें क्लियर होती गई. इसका मतलब आपका विजुअलाइजेशन एकदम क्लियर है, तो बाकी के क्लियर्स पे भी हम काम करेंगे तो आपकी रीडिंग्स बहुत एनहांस हो जाएंगी इससे. हाँ मैंने बैठने से पहले जब आपने जैसे मेडिटेशन के लिए बोला ना तो मैंने भगवान से वही प्रे किया कि क्या मैं इसको करूं और मुझे रिजल्ट कैसे मिलेगा. तो बस आग बंद करती मुझे भगवान खुद ही दिख गए तो मैंने कहा नहीं अब तो डेफिनेटली करना ही है इसको. चलिए आई जस्ट गिव अस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं टैरो में. एंड उससे जो लोगों ने इसमें ज्वाइन किया दिल हैव एन आइडिया. टैरो एडवांस्ड का है, इसका प्री रिक्विजिट है कि आपको टैरो कार्ड्स राइडर वेट्स के कार्ड्स के बेसिक आने चाहिए. बेसिक आते हैं तो उसके बाद इंटरप्रिटेशन पार्ट इसमें कवर नहीं होगा. इसमें उसके आगे का कवर होगा. जो चीजें कवर हम करने वाले हैं वो है पहले अलग अलग तरीके के स्प्रेड्स. कुछ बेसिक स्प्रेड्स हमने बेसिक में भी किए हैं, उसके आगे के स्प्रेड्स करेंगे. एंड ये सेशन जो रहता है इसमें प्रैक्टिकलिटी होती है.
पर ये एकदम स्टार्टिंग में नहीं करते क्योंकि कई लोगों की एनर्जीज अलाइन नहीं होती है. स्टार्टिंग हम करते हैं एंजेलिक हीलिंग एंड एंजेलिक नोइंग से. फिर स्प्रेड्स में जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल सेल्टिक क्रॉस, जोडियक, ईयर अहेड, ट्री ऑफ लाइफ, डेस्टिनी स्प्रेड. फिर डायरेक्शनैलिटी ऑफ कार्ड्स, जहां कार्ड्स हम प्लेस करते हैं उसका डायरेक्शन किस ओर है और वो डायरेक्शन हमें क्या हिंट दे रहा है ये हम जानते हैं डायरेक्शनैलिटी ऑफ कार्ड्स से. फिर टैरो और एस्ट्रोलॉजी को कैसे हम मिला के यूज कर सकते हैं, 12 भाव के बारे में हम टैरो से कैसे जान सकते हैं वो हम यूज करेंगे एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग में. फिर न्यूमरोलॉजी एसोसिएशन ऑफ टैरो हम जानेंगे जिसमें नंबर्स और टैरो के बारे में कैसे कंबाइंड एक रीडिंग दे सकते हैं. देन क्विंटेसेंशियल नंबर्स, टैरो कार्ड्स के ऊपर नंबर्स प्रिंटेड होते हैं उन नंबर्स को यूज करके हम क्विंटेसेंशियल नंबर्स निकालते हैं अपनी रीडिंग के जिससे हम एक रीडिंग में ब्रीफ देते हैं. फिर आता है रेमेडियल पोर्शन. रेमेडीज आप क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स के फॉर्म में दे सकते हैं, मंत्रों के फॉर्म में दे सकते हैं, आप मेडिटेशन के फॉर्म में दे सकते हैं. और एंजेलिक हीलिंग और एंजेलिक वर्ल्ड के बारे में आप जान सकते हैं यूजिंग टैरो. सो दिस इज व्हाट ऑल विल बी कवर्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. ये जर्नी हमारी 2 महीने की जर्नी रहेगी. 2 महीने की जर्नी के लिए I would request the admin to please share the slide. मैम टाइमिंग चेंज हो सकती है तो मैं अभी ज्वाइन कर पाती. हाँ टाइमिंग के लिए देखिए थोड़ा सा ये है कि टाइमिंग का मुझे खुद को क्योंकि ये हमारे स्लॉट सारे फिक्स्ड रहते हैं तो इसलिए 7 to 12:30 रहेगा. हाँ जी ओके. और बाकी आप लोगों को सारे रिकॉर्डिंग्स दिए जाएंगे. यस यू विल बी प्रोवाइडेड द रिकॉर्डिंग्स, यू विल बी प्रोवाइडिंग द पीडीएफ फॉर्म ऑफ नोट्स, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी. मोर ओवर जो हमारा सेशन होता है जितने भी टैरो के सेशंस होते हैं उसमें प्रैक्टिकल क्लासेस हम हमेशा रखते हैं साथ में. रीजन बीइंग के रीडिंग जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा. और बाकी हमारे बीच काफी ऐसे पार्टिसिपेंट्स भी हैं जो बेसिक करके आए हैं तो वो अपना शेयर कर सकते हैं एक्सपीरियंस कि उनका क्या रहा है बेसिक में भी बिकॉज वी हैड सम प्रैक्टिकल सेशंस देयर आल्सो. हाँ जी दीप्ति जी. Hello, good morning, ma'am. Ma'am, I have done the basic course with you and I would just like to say that, ma'am, I have joined tarot classes, I think 4 to 5 times with different people. Ma'am, but I think my search ends here. It was so beautiful and clearly taught that I have gone through the recordings only because I'm a working woman and I could not join the live classes. But ma'am, thank you so much. It was actually like we are sitting in a class and being taught by a teacher like we do it in school. So everything was absolutely clear and very nicely explained. And I am ready for the advance now. So thank you so much, ma'am. It was absolutely clear and I'm really happy and feel blessed that, you know, that you are teaching us. Seriously, ma'am, thank you so much. Thank you so much, Deepti ji. Thank you so much. Hanji Anupama ji. Yes. Ma'am, mujhe pucha tha ki ye jo course jo aaj shuru ho raha hai, आकाशिक वाला और वो जो है पास्ट लाइफ वाला, तो उसमें भी आप ये सब सिखाएंगे कि कैसे क्लियर ये सारे क्लियर्स को ओपन करें या कैसे एक्टिवेट करें? मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ आकाशिक और पास्ट लाइफ टैरो का भी. आकाशिक एक कंप्लीट टैरो डेक है जिसमें आपके मेजर और माइनर आर्काना है, जबकि पास्ट लाइफ कार्ड्स अगर हम देखें वो एक ओरेकल डेक है जिसमें नंबर ऑफ कार्ड्स इज लिमिटेड. लेकिन दोनों कार्ड्स बहुत हेल्पफुल है टू फाइंड आउट सिचुएशंस, जैसे हमारी लाइफ में रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं
तो उन पैटर्न्स में हम फंस के रह जाते हैं। तो ऐसे कार्ड्स हमें जवाब देते हैं कि हमने पास्ट लाइफ में ऐसा क्या किया जिसकी वजह से हम इस सिचुएशन में, बिकॉज व्हाट वी कैन मॉडिफाई, क्या हमारे हाथ में है वो सिर्फ हमारा कर्म है। तो हम अपने कर्म को या अपने एक्शंस को उस हिसाब से मॉडिफाई करते हैं एंड देन दीज कार्ड्स डू गाइड अस वंडरफुली। इसमें जो कोर्स में आपका कवर अप होगा दैट विल बी फर्स्ट स्टेप इज क्रिएटिंग योर सेक्रेट स्पेस। देखिए टैरो का कोई भी सेशन रहता है तो वहां पे बिना मेडिटेशन के हम आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वी अलाइन ऑल दी एनर्जीज एंड देन मूव। तो जब हम अपनी सेक्रेट स्पेस बनाते हैं तो ऑब्वियसली वी आर इन्वोकिंग एनर्जीज, हम उसमें अपने जिनको भी हम मानते हैं, जिस भी डिवाइन सोर्स को हम मानते हैं, जिनमें विश्वास रखते हैं, उन्हें हम बैठाते हैं, फिर हम एंजल्स को बुलाते हैं। तो ऐसे कर करके हम अपनी एक सेक्रेट स्पेस बनाते हैं और फिर हम इन कार्ड्स की मदद से रीडिंग करते हैं। सो इन अ कोर्स ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कि थिंग्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट डेवलपिंग, क्योंकि जब आप उस मोड में रहते हो, जब आप मेडिटेट भी कर रहे हो रेगुलरली। हाँ, कोर्स कंटेंट्स दोनों कोर्सेज के अलग है, उसका कोर्स कंटेंट उसके हिसाब से डिजाइंड है, इसका कोर्स कंटेंट इसके हिसाब से डिजाइंड है। बट ये है कि अपार्ट फ्रॉम नोइंग द कार्ड्स मीनिंग इंटरप्रिटेशन, उनके स्प्रेड्स को जानने के अलावा हम क्या जानेंगे, हम खुद को जानेंगे, हम खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे। जब हम अपनी सेक्रेट स्पेस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को और अपने परिवार को एक सुरक्षा घेरे में डालते हैं। रीजन बीइंग हम सब फैमिली लाइफ में हैं, हम लोगों में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारी फैमिली लाइफ इन चीजों की वजह से डिस्टर्ब हो। दिस इज समथिंग दैट वी आर डिस्टाइंड टू बी। ऑकल्ट हर किसी की लाइफ में नहीं आता, लेकिन अगर आता है तो इसका मतलब यूनिवर्स ने आपको चूज किया। आपने यूनिवर्स से नहीं बोला, बट यू वर चोजन। और हर सोल जो ऑकल्ट में आता है, मेरा मानना ये है कि वो बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस से इवॉल्व होके आया है, बहुत सफरिंग्स देख के आया है, तभी वो वहां तक पहुंचा है, तो वहां से आगे बढ़ने का रास्ता है। सो ये हमारी जर्नी 2 महीने की रहेगी, जिसमें हम पहले पास्ट लाइफ के कार्ड्स करेंगे, फिर हम जाएंगे आकाशिक में और आकाशिक से हम आंसर्स डिराइव करेंगे। सो इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट सेट, एडवांस्ड अपनी जगह एक अलग सेट है। एडवांस्ड के आगे राइडर वेट्स में और कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एडवांस्ड अपने आप में कंप्लीट है। उसके बाद आपके पास फिर बहुत सारे डेक्स हैं जो हम साइड बाय साइड कोर्सेस लाते जा रहे हैं, तो अगर आपको उसमें कहीं इंटरेस्ट आता है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन इन एंड कनेक्ट। मैडम, यस सर, आर वी रिक्वायर्ड टू प्रोक्योर आकाशिक कार्ड्स? यस सर, फॉर द रीडिंग आकाशिक एंड पास्ट लाइफ कार्ड्स प्रोक्योरमेंट इज रिक्वायर्ड। And thankfully, Academy ने arrange किया है इसके लिए भी, and the messages have been floated in the respective groups के आप उनसे मंगवा सके, और market से काफी competitive prices पे they are available. Yeah, that I know. I have procured cards before also. Okay, well, yes. Thank you, well. Manas ji, आपका question? Come back to same question, ma'am, because I joined late. I just would like to understand what is this clear and what kind of things is you are trying to teach us so that we could be able to know it properly and we could be part of it. Yes, sir. Sir, clairs is a part of your psychic ability, your intuitive ability. इसको हम बोलते हैं जैसे clair audience, मतलब अचानक से हमारे मन में कोई sound आना जो फिजिकली किसी को नहीं आ रही है। ऐसे ही क्लेयरवॉयंस में क्या होता है, आपकी आंखों के आगे से जैसे कोई फ्लैश दौड़ गया या कोई पिक्चर रन कर गई जो बाकी किसी को नहीं दिखाई दे रही है। सो दीज क्लेयर्स विल बी ओपनिंग विद इन अ कोर्स ऑफ टाइम। इस पे हम काम करेंगे अपनी साइकिक एबिलिटी और इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए। तो ये क्लेयर्स हमारे को टैरो रीडिंग में बहुत हेल्पफुल रहते हैं, इसलिए इसे डेवलप करना जरूरी होता है।
तो उसके लिए विल बी वर्किंग फॉर इट. आई होप यू हैड अ ब्रीफ आइडिया अबाउट इट बिकॉज डिटेल्स में हम कोर्स के दौरान जाएंगे when we are into it and when we are practicing it on a regular basis. Okay, actually I have to go through Manaka net also for this because I'm first time listening to all these things. So hopefully the people who are here, I think they are quite experienced and they're having the knowledge. No, sir. The thing is, not all are experienced, but then they had joined the session wherein I had first introduced किया था पहले, फिर उसके बाद हमने ये एक्सरसाइज इसी सेशन में हाँ जी सर okay. इसी तो, सेशन में किया है टाइप ऑफ सेशन तो रिकॉर्डिंग अच्छा रिकॉर्डिंग सर देन इट वुड बी व्हेन वी बिगिन विद द हाँ इसका रिकॉर्डिंग आप मिल जाएगा सो यू कैन गो थ्रू इट वंस एंड देन उसके अलावा आपको आगे जब क्लासेस स्टार्ट होंगी सो वील बी वर्किंग ऑन दीस क्लेयर्स हम इस तरीके माय व्हाट्सएप नंबर इफ इट इज पॉसिबल देन इफ यू कुड शेयर द वीडियो लिंक विल बी बेटर राइट और सम सेम काइंड ऑफ वीडियो सो दैट आई कुड एबल टू नो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर ट्राइंग टू गिव अस एंड हाउ वी कुड टेक द बेनिफिट ऑफ मुझे कार्ड्स के बारे में पूछना था. आपने वो बोला था ना कि अकेडमी से कार्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब खरीदेंगे ही, कौन से रहेंगे वो डेट? देखिए एडवांस के लिए तो अगर आपके पास राइड अवेट्स है तो वो चलेगा और आकाशिक और पास्ट लाइफ के लिए उसके डेक परचेज करने पड़ेंगे. आकाशिक का और पास्ट लाइफ का दोनों का डेक है. और मुझे ना मैम आपने वो जीबू की आपसे जीबू किया तो जीबू कार्ड्स भी मुझे मंगवाने हैं तो वो भी मिल जाएगा अपने नहीं जीबू कार्ड्स तो नहीं जीबू तभी तो मैंने आपको फिर बनवाए थे बिकॉज उसके कार्ड्स प्रोक्योर करने से बेटर है हम खुद बना लें उसको. ओके मैम. Yes, Osho cards are also available in the academy. Thank you, ma'am. Dr. Ashwira? Yeah, hi, ma'am. So I have a couple of questions. One is I learned tarot way back in 2006. And after that, I practiced also for quite some time for friends and family. But then after that, I stopped it because of my job, business and all. So now I'm reigniting my passion for tarot, you can say. I am just restarting on this journey. And this course has just come at the right time. You know, it's like when you try, the universe makes it happen for you. Right? Exactly. So because the thought of reigniting came and that's where your Akashic webinar also came in. And then I've joined that course as well today. So now since I'm reigniting, is there anything that you would suggest, tip or, you know, two or any methods with which I can just get on to it before this advanced course starts so that I'm on the same platform? That is one question. And okay, I'll ask you the other question once you answer this. Okay, see, it is when we are starting a journey, every journey we begin we are beginning from day one. We are starting from the ABC. Apart from that, as I mentioned, I'm not going to cover up because right? I hope I'm audible. So it is that interpretation of cards ko chhod ke baki sara hum saath mein hi karte hai. And then on and off, you'll be given different tips whereby you can enhance your reading, you can enhance your intuitive powers, so that will be a part of the journey. Even meditations are a part of the journey, so we go with it stepwise only. Okay, thank you.
My other question is, there are so many things like, you know, astrology. In astrology also, there is Vedic, there is KP, there is BNN, then we are doing Tarot, we are doing Akashic, we are doing PLR, we are doing Numerology. So there's so many things. It gets a bit overwhelming. Like when you, there is a somebody, when there's a seeker in front of you, what do you do? I mean, what is it that you pick up and what is it that you start the person with, you know? So it gets overwhelming in short. So what do we do with that? See, the occult is an ocean. And once you start with it, once you... self upgraded, you get evolved in different modalities. So it is that all these automatically become a part of your life. Just a moment. Just give me a moment. Sure. Hello. Hello. Yeah, I think ma'am is doing something regarding a network problem. She's on mute for some work. Please wait. Yeah. Okay, now am I audible clearly? Absolutely. Okay. Okay, so one thing that when you become a part of occult sciences is a complete ocean. Jahan pe kabhi bhi ek drop se man nahi bharta. So you tend to take in more and more. And as you dip, the deeper it goes. So it is only a case of evolving. Jahan aapko lag raha hai, where you find that connect, you can go ahead with it. You can go ahead with the journey so that you are able to learn and you can fulfill the purpose of your life as well. Because ye sari cheeze aap decide nahi karte ho, you already decided. So it is like... One last question from my... You were healing this person and that person. So when you say healing, you do it with the modality that comes. So is that what you're going to teach us, or is there something else that you do when you're saying you heal? See, as per like you were saying, I also practice different things. Like I am already a Reiki grandmaster. Then apart from that, tarot, different decks I deal in, numerology, astrology, vastu, and then there are many things that I'm already practicing. So I have my own system whereby people approach for healing, or when they are stuck up, they come for advice or consultation. So that is a different part that. And then every practice gives me an experience. It leaves me with an experience. Like for this boy that I'm healing, it is that he's suffering from cancer and he's too young. He's merely 11 years old. So I was touched by it and I asked his mother that, okay, I'm going to give healing, but then as an energy exchange, you just donate 21 rupees in the temple near you. That's it. Because she's a single mom. The father is no more. So that is why I could see his father's energies there. So these things do happen. When you start practicing, then they leave you with different experiences.
and these experiences, they count on your growth. Ma'am, I have a question. Thank you, ma'am. Yes. Ma'am, yes, I want to take a personal consultation with you, then how can I take? Then you can connect with me because group pe numbers hai, mera bhi number hai. Agar aapko consultation chahiye, in that case, you can connect with me. Okay, to aapka number group se milega, ma'am? Ki aap de doge idhar? Haan ji. Group se milega, aap academy mein connect kar sakte hai. Aapka name? Shilpi Sharma. Okay, ma'am, no problem. Thank you. ठीक है आप पूरा नाम बताइएगा बिकॉज वी हैव टू शिल्पी इन द एकेडमी ओके ओके शिल्पी शर्मा मैम राइट हाँ जी ओके ओके चारू जी आपका क्वेश्चन मैम गुड आफ्टरनून हाउ आर यू मैम आई एम डूइंग गुड आप बताइए इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम राइट यस मैम इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम या सो होप यू आर डूइंग गुड यस आई एम डूइंग गुड Yeah, ma'am, I just have a question. It's not a question, actually. I don't know. It's a little confusion. I have already joined the Akashi one, Akashi record. I've already joined that. But the thing is that I have already done Akashi records with Shilpi, ma'am, I guess. She did it or I don't know. The other ma'am did it. So I couldn't Sangeeta see ma'am did it. Yeah. So I couldn't see anything in Akashi records. So, like, as you know, my tarot cards. So, like, do you think that I'll be able to do much better in this? Because I've already joined it. But then, you know, I couldn't see anything during the Akashi meditations and all that. During the whole session. That's what I'm telling. And I have been saying this repeatedly. Because, I also have done Akashic and automatic writing in different modalities. So, when I was practicing Akashic, for the very first month, I couldn't see anything. Yes, ma'am. And then after that, I continued practicing. So, that is when I was able to connect. And in case of tarot, yes, you have a comfort zone because yahan pe aapko waise connect nahi karna, but cards aise hai ki cards aapko bata denge. And as you know about me, so you think that I'll be able to do this much better? Yes. Yes, I do have faith. Thank you, ma'am. Thank you so much. Hello. Anji. Ma'am, जो हम लोग जैसे कि अब मैं आकाशिक इससे करती हूँ meditation से और जो हम लोग card से ये करते हैं तो I prefer मुझे ऐसा लगता है कि meditation से ज़्यादा clarifications मिलते हैं card से. देखिए ऐसा नहीं है. I don't very much agree with it because last जो हमारा आकाशिक और past life का webinar हुआ था तो उसमें आप लोगों के सामने ही open webinar में I had done past life readings for a couple of people कुछ लोगों के लिए किया था मैंने आप बेशक से वो recording एक बारी check कर सकते हैं मिल सकता है वो recording ma'am हाँ जी हाँ वो रिकॉर्डिंग है आप एकेडमी से ले सकते हैं ओके स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप इस पे इजीली कॉल करके एंड देन यू कैन आस्क और यू हैव अदर नंबर्स एज वेल मैम एक बार एकेडमी का आप ग्रुप लिंक डाल दीजिए कोई So that, you know, they can join direct from here itself in the chat box. Yeah. Academy ke numbers aapko yahan dekhe niche flash ho rahe hain. Academy ke numbers flash ho rahe and then they are running an offer. For Independence Day special offer चल रहा है ये 14th August से 28th August तक और offer आपको बता देती हूँ ऐसे original fee for non academy members it is 2107 per month क्योंकि 8 classes का duration रहता है एक महीने का तो 16 classes का बनता है 4,214. अब अगर आप इसमें courses ज़्यादा join करते हैं, तो you get
डिस्काउंटेड अगर आप 6 कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, क्योंकि इसमें देर आर 58 कोर्सेज, तो 58 कोर्सेज में से आप अपने ग्रुप का खुद ही बना सकते हैं, 6 कोर्सेज आप चूज कर सकते हैं। पेमेंट डिटेल्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर कोर्स फी एंड फॉर रेफरल्स। और जो एकेडमी नंबर्स आपको दिए गए थे उन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दीज डेज वी आर रनिंग विथ ऑफर्स, सो देर आर मेनी पीपल हु आर ज्वाइनिंग द कोर्सेज एंड टेकिंग द बेनिफिट, बेनिफिट ले सकते हैं। और कार्ड्स प्रोक्योर करने के लिए भी अकेडमी नंबर्स आर सेम। आई वुड रिक्वेस्ट दी एडमिन, आप एक बार अकेडमी नंबर्स वाली स्लाइड फ्लैश कर दीजिए सो दैट द पार्टिसिपेंट्स कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे नीचे ये एकेडमी के नंबर्स है दोनों, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। मानस जी यू हैव द एकेडमी नंबर्स, क्योंकि रिकॉर्डिंग आप एकेडमी से ही मिलेगी, आपके पास ये स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं एकेडमी। हाँ, फ्रॉम हियर ओनली यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रीवियस वेबिनार्स आल्सो। और अगर आपको आज के वेबिनार की चाहिए, यू कैन हैव अ लुक एट द रिकॉर्डिंग एंड देन यू कैन डिसाइड ऑन, इन केस इफ यू वांट टू हैव अ डिस्कशन, तो उस केस में आपको मेरा नंबर भी अकेडमी से मिल जाएगा, यू कैन गेट इन टच। मैम आई हैव शेयर्ड माय व्हाट्सएप नंबर, यू प्लीज शेयर द माने लिंक और व्हाटएवर यू हैव so that I could go through it and I will then connect you only, because I do not know anyone else than you, so I'll connect you only. You okay. Can also give me the ring so that I could save your number. Okay, so in that case aap logon se sabhi se request hai ki aap log academy ke numbers le lijiye so that able to कनेक्ट एंड जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं व्हाट्सएप लिंक अकेडमी का यहाँ पे शेयर कर देती हूँ सो दैट दोज हु वांट दे कैन जॉइन इन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट फॉर दैट।
Okay. So you can find in the chat box link aap logon ke samne shared hai. Okay. For the fee structure, as many participants were asking, जो existing participants हैं उनकी अगर आप monthly fee लेते हैं तो monthly fee comes to 1579, for 2 months it is 3158, लेकिन अगर आप दोनों months की fee इकट्ठी pay करते हैं so you get additional 15% discount. For those who are enrolling to the academy, fee is 2107, 2 महीने की 4214 होती है, and you get an additional discount of 25% अगर आप इकट्ठा पे करते हैं, so that comes to 3158. और आपके पास आपकी स्क्रीन पे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, यू हैव बोथ द अकेडमी नंबर्स. उसके अलावा अगर आप लोग चाहें आप पूनम मैम का नंबर ले सकते हैं. She is the admin who's handling everything till date. आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं. Her number is, the course is starting next week. It's starting next week. पूनम मैम का नंबर मैं चैट बॉक्स में टाइप कर दे रही हूँ. You can take the number. मैडम एक टेक्निकल क्वेश्चन है मैडम. यस सर. विच इज रिलेटेड टू ऑल क्लासेस. मैंने ये जो मैं आपका आई जस्ट ट्राई टू सी योर पीपीटीज हैं, सो आई कांट एनलार्ज देम. आई मीन इज इट अ सिस्टम लाइक दिस एनलार्ज द पीपीटी. हाँ मतलब थोड़ा सा देखने सुविधा होता देखने में. आई मैंने इट इज इजीयर टू सी and I cannot enlarge that. So that can be enlarged. Okay. Ne, recorded. It can be. Recorded PPTs enlarge हो पाती हैं. अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं आप अपने हाथ से उसको कर सकते हैं. हो जाता है. मैं कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा. I don't know. मैंने I keep enlarge only but आपके रिकॉर्डेड वीडियो मतलब पीपीटी नहीं हो रहे इनलाइज. पता नहीं मे बी आई मे बी मिस्टेकन समवेयर. विल चेक दैट वंस सर. हां आई विल चेक अप. आई विल चेक अप. थैंक यू मैम. यस पूनम मैम का नंबर मैंने आप लोगों को चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है. क्लासेस वुड बिगिन फ्रॉम नेक्स्ट वीक. Okay, so I'll check ke PPT enlarged kyun nahi ho raha hai. I'll check and report that. Or classes would be held on Tuesdays and Thursdays. Timings would be 11 a.m. Most probably we'll be getting free by 12:30 after taking the Q&A also. Because I know for all those who are preparing lunch and all at home, to unhe wapas se wahan apna dekhna hota hai. So we keep that in mind. So you have the payment details with you. You have all the details related to the course in your hand now. Ab agar aur koi question aapko puchna hai, to you can ask. Any other question? Okay. मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी ये टैरो कोर्स जो है वो मैंने किया हुआ है लेकिन मैं करना चाहती हूँ तो कार्ड के सिम्बोलॉजी के साथ करना चाहती हूँ, तो मुझे बेसिक पहले करके फिर इसको ज्वाइन करूंगी. बट अगर मैं दूसरा वो वाला करना चाहती हूँ जो आज से क्लासेस शुरू हो रही है तो वो उसके लिए तो कोई बेसिक की नीड नहीं है ना. नहीं वो खुद ही बेसिक टू एडवांस कंप्लीट है. ओके. और मैम उसमें भी ये सब चीजें आप मतलब सिखाएंगे ना कि हम कैसे अपने क्लेयर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि टैरो तो वो भी है एक तरह का. कार्ड्स को कैसे हम लोग मतलब अपने जो साइकिक एबिलिटी है उसको एनहांस कर सकते हैं. हाँ ठीक है मैम, तो फिर मैं आज वाला ज्वाइन करती हूँ. थैंक यू सो मच. मोस्ट वेलकम. For that, please do get in touch with the admin.
आपके पास नंबर्स सारे फ्लैश हो रहे हैं, आप एक बार ही कनेक्ट करके, हाँ एक बार ही आप कनेक्ट कर ले वहां पर, सो दैट यू हैव एन आइडिया. ओके थैंक यू मैम. सो इन केस इफ वी हैव नो अदर क्वेरीज देन वुड लाइक टू कंक्लूड द सेशन. थैंक यू मैडम, गुड डे मैडम. Thank you everyone and have a good day. Thank you, ma'am. Have a nice day. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you. Thank you, ma'am.